हेलो फ्रेंड्स, क्लास सिक्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 34 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 34 में हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ नीचे कुछ फिगर्स दी है, फिगर्स मतलब नंबर्स दिए हैं, कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस के, उसके बाद पोर्टरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारे चार्जेस भी उसमें दिए हैं। इन फिगर्स को यूज करके हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमको एक प्रॉब्लम बनाना है। ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस दी है और सेलिंग प्राइस दी है। यहाँ हमको एक प्रॉब्लम फ्रेम करना है और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ₹1600 एंड सेलिंग प्राइस ₹2800। तो हमने ये क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है। सुमन बॉट एन इलेक्ट्रिक मिक्सर फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2800। व्हाट वॉज हर प्रॉफिट परसेंट? सुमन ने एक इलेक्ट्रिक मिक्सर ₹1600 में बाय किया और ₹2800 में सेल किया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या था? सीपी ऑफ मिक्सर ये क्या थी? ₹1600। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर ये है ₹2800। सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1600, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है? ये आता है ₹1200। तो प्रॉफिट आता है ₹1200। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्सर का प्रॉफिट परसेंट है तो हम एम कंसीडर करेंगे। लेट द प्रॉफिट परसेंट बी एम परसेंट। तो एम परसेंट मतलब क्या आता है? एम अपॉन 100। तो एम अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट क्या है? 1200 और सीपी क्या है? ये है 1600। अब एम अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1600। यहाँ m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो 100 को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल। अब 16 से 1200 को डिवाइड करेंगे। हम रफ में करके देखते हैं, 16 × 16 यहाँ आता है 75। m इज इक्वल टू 75%। तो इस मिक्सर को सेल करने में प्रॉफिट हुआ है 75%। सुमन गॉट 75% प्रॉफिट। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इज ₹2000 एंड सेलिंग प्राइस ₹1900। तो ये क्वेश्चन हमने फ्रेम कर लिया है। अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1900। हाउ मच वॉज हिज लॉस परसेंट? एक शॉपकीपर ने एक बाइसिकल 2000 में परचेस की और उसको 1900 में सेल की, तो उसका लॉस परसेंट कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सीपी क्या है? सीपी ऑफ बाइसिकल, सीपी इज इक्वल टू 2000 एंड एसपी ऑफ बाइसिकल क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल इज ₹1900। कॉस्ट प्राइस 2000 है और सेलिंग प्राइस है 1900। यहाँ पर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, दैट मीन्स लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 2000 माइनस 1900 इज इक्वल टू ₹100 का लॉस हुआ है। अब हमको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लेट द लॉस परसेंट बी, क्या सेल किया उसने? बाइसिकल, तो बी है तो हम यहाँ बी परसेंट लिखेंगे। लेट द लॉस परसेंट बी बी,
तो बी अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो आपको लॉस अपॉन सीपी करना होगा, और प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी करना होगा। ओके, बी अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस कितना हुआ है, ये हुआ है 100 रुपीज का, और सीपी कितनी है 2000। नाउ बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000। बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 100 यहां से निकालना पड़ेगा, तो दोनों साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाते हैं। 21 20, 25 100, तो बी इज इक्वल टू 5%। तो यहां पर 5% का लॉस हुआ है, तो आंसर लिखेंगे द शॉपकीपर हैड 5% लॉस। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज 1200 रुपीज ईच एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 1400 ईच। 8 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस दी है 1200 रुपीज ईच एंड सेलिंग प्राइस है 1400 रुपीज ईच। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, सरिता बॉट 8 साड़ीज फॉर रुपीज 1200 ईच। सरिता ने 1200 रुपीज ईच इस प्राइस से 8 साड़ीज परचेस की एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1400 ईच, और हर साड़ी उसने 1400 रुपीज में सेल की। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंट, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या है साड़ी की, सीपी ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल टू रुपीज 1200। सीपी ऑफ 8 साड़ीज इज इक्वल टू, एक साड़ी की कीमत है 1200 रुपीज, तो 8 साड़ीज की कीमत क्या रहेगी, 1200 इंटू 8, ये आती है 9600 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस क्या है, एक साड़ी की 1400 रुपीज है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल टू 1400। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 साड़ीज ये क्या रहेगी, 1400 इंटू 8 रहेगी, 1400 इंटू 8, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 साड़ीज आती है 11200 रुपीज। ओके, यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस है 11200 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस है 9600 रुपीज। सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो प्रॉफिट हुआ है, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस है 11200 माइनस सीपी है 9600, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है रुपीज 1600। तो ये क्या है, प्रॉफिट है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो लेट द प्रॉफिट परसेंट बी, इसको हम एस परसेंट कंसिडर करेंगे, एस परसेंट। तो एस परसेंट क्या आता है, एस अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट क्या है, 1600 रुपीज, और सीपी क्या है, आपको 8 साड़ीज की सीपी लेनी पड़ेगी, आपको ये एक साड़ी की सीपी लेकर नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये क्या आता है, 9600। ओके, नाउ एस अपॉन 100 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9600। अब ये एस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 100 यहां से हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये 20 और ये 20 कैंसिल। नाउ 96 से 1600 को डिवाइड करना है। 16 और 96 ये दोनों नंबर्स 16 के टेबल में आते हैं। 16 टेन्स आर 160 और ये 0 एज इट इज, 16 सिक्स आर 96 आता है, तो ये क्या आता है, 100 अपॉन 6। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये दोनों नंबर डिविजिबल है, 2 थ्री आर 6 एंड 2 फाइव आर 10 0, तो ये आता है 50 अपॉन 3। अब 50 अपॉन 3 को हम यहां पर डिवाइड करते हैं, देखिए ये जो 16 है ये इंटीजर होगा। ओके, 16 इंटीजर 2 अपॉन 3,
तो ये s क्या आता है, s इज इक्वल टू 16 इंटीजर 2/3%। तो प्रॉफिट आता है 16 2/3%। तो यहाँ आंसर लिखेंगे सरिता गॉट 16 इंटीजर 2/3% प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹43 पर kg। हमारा क्वेश्चन है गोपाल बॉट 50 kg व्हीट फॉर ₹2000। गोपाल ने ₹2000 में 50 kg व्हीट परचेस किए। ही सोल्ड इट फॉर ₹43 पर kg। उसने ₹43 पर kg इस रेट से ये सारे व्हीट सेल किए। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, और जो भी हुआ उसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है, 50 kg व्हीट ₹2000 में परचेस किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg व्हीट ये क्या है ₹2000, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट, यहाँ पर ₹43 पर kg दिया है, मतलब 1 kg व्हीट का सेलिंग प्राइस दिया है। 1 kg व्हीट का सेलिंग प्राइस क्या है, ₹43। तो 50 kg व्हीट का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg व्हीट ये क्या रहेगा, 43 × 50, ये आता है ₹2150। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 2000 एंड सेलिंग प्राइस है 2150। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, देयरफॉर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है 2150 एंड CP 2000, तो ये आता है ₹150। तो प्रॉफिट क्या है, ₹150। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। लेट द प्रॉफिट परसेंट बी W। प्रॉफिट परसेंट को हमने W परसेंट कंसिडर किया, तो W परसेंट तो क्या होता है, W/100 होता है। W/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट क्या है, ₹150 एंड CP है ₹2000। W/100 इज इक्वल टू 150/2000। अब W फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 100 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ है 20 और यहाँ है 150, ये एक जीरो और ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाता है। अब ये है 15/2, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम रफ में करते हैं, तो हम परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये आता है 7 × 1/2%। ओके, तो W इज इक्वल टू 7 × 1/2 आता है। गोपाल को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 7.5 इतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमको क्वेश्चन पूछा है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, आंसर लिखेंगे ही मेड अ प्रॉफिट एंड इट्स परसेंटेज वाज 7.5। ओके, सो ये पूरा सम एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया है, तो गोपाल को 7.5% का प्रॉफिट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ सम इज कॉस्ट प्राइस ₹8600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, पोर्ट्रेज ₹150 एंड सेलिंग प्राइस ₹10,000। तो इसका वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करेंगे। रशीद बॉट गुड्स वर्थ ₹8600 एंड स्पेंट ₹250 ऑन ट्रांसपोर्ट। रशीद ने 8600 की चीजें खरीदी की और ट्रांसपोर्ट पर ₹250 स्पेंड किए, ₹150 ऑन पोर्ट्रेज पर ₹150 स्पेंड किए। ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹10,000, ये सारी चीजें उसने 10,000 में सेल की। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
व्हाट वॉज द परसेंटेज, और जो भी हुआ प्रॉफिट या लॉस उसका परसेंटेज क्या था। ये हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है, अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 8600 ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्रेज का जो खर्चा है ये भी हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमको टोटल कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस पोर्ट्रेज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 8600 प्लस 250 ट्रांसपोर्ट चार्जेस है और पोर्ट्रेज है 150। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी, वो कितनी आती है देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस आती है 9000। सेलिंग प्राइस क्या है 10000, एस पी इज इक्वल टू 10000 रुपीज 10000। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस ये 9000 है और सेलिंग प्राइस ये 10000 है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, देयरफॉर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी है 10000 एंड सी पी इज 9000, तो प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज का, राइट। अब इस प्रॉफिट से हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट हम जी कंसीडर करेंगे, लेट द प्रॉफिट परसेंट बी जी परसेंट। तो जी परसेंट मतलब क्या होता है, जी अपॉन 100 होता है, जी अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी। तो प्रॉफिट कितना है 1000 रुपीज और सी पी है 9000 रुपीज। अब ये जी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो जी अपॉन 100 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9000। जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 100 को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, इसके दो जीरो और इसके दो जीरो कैंसिल, ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ क्या आता है, जी इज इक्वल टू 100 अपॉन 9, जी इज इक्वल टू 100 अपॉन 9, तो यहाँ 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, ये आता है 11 इंटीजर 1 अपॉन 9, जी इज इक्वल टू 11 इंटीजर 1 अपॉन 9 परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट क्या आता है 11 1 अपॉन 9 परसेंट। तो अब हम आंसर लिखेंगे, हमको क्या पूछा है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वाज द परसेंटेज, ही मेड अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट वॉज 11 इंटीजर 1 अपॉन 9%। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स वर्थ रुपीज 20,500, लेबर रुपीज 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रुपीज 5,600 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज 28,640। सबसे पहले हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, रामराव सोड सीड्स वर्थ रुपीज 20,500 इन हिज फील्ड। रामराव ने उसके खेत में 20,500 रुपीज के सीड्स लगाए। ही स्पेंड रुपीज 9,700 ऑन लेबर्स, मजदूरों को देने के लिए उसको 9,700 रुपीज का खर्चा आया एंड 5,600 रुपीज ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के लिए उसने 5,600 रुपीस स्पेंड किए। ही सोल्ड हिज प्रोड्यूस फॉर रुपीस 28,640। उसने उसका जो प्रोड्यूस था वो 28,640 रुपीस में सेल किया। डिड ही मेड अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इट, और उसका परसेंटेज क्या था। ये हमने क्वेश्चन बना लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको ये जो सीड्स की कॉस्ट है उसके साथ ये लेबर्स का और फर्टिलाइजर्स का जो खर्चा है वो ऐड करना पड़ेगा, तो हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी। टोटल कॉस्ट प्राइस
इज इक्वल टू सी पी ऑफ सीड्स प्लस लेबर चार्जेस प्लस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो सीड्स की प्राइस है 20,500, लेबर चार्जेस 9,700 एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर 5,600 का खर्चा हुआ है. अब इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आती है 35,800 और सेलिंग प्राइस क्या है 28,640. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 28,640. तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस से बड़ी है. सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से बड़ी हो तो क्या होता है, लॉस होता है. देयरफॉर लॉस. अब लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सीपी है 35,800 माइनस एसपी क्या है 28,640. तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,160 रुपीज का लॉस हुआ है. अब हमको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो इसको एस कंसीडर करेंगे. लेट द लॉस परसेंट इज एस परसेंट. तो एस परसेंट मतलब क्या होता है, एस अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी. प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके अपॉन में सीपी ही आता है. ओके, लॉस अपॉन सीपी. तो ये कितना है, लॉस है 7,160 एंड सीपी कितनी है, सीपी है 35,800. तो एस अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800. तो अब S की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये 100 हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं. अब 358 से 7,160 को डिवाइड करेंगे. देखिए 358 वन जा 358 आता है, 358 टू जा 716 आता है और ये जीरो जो है ये एज इट इज यहाँ लिखेंगे. तो S इज इक्वल टू आता है 20%. तो लॉस का जो परसेंट है वो कितना है 20%. हमको क्या पूछा है, डिड ही मेड अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इट. ही मेड अ लॉस एंड द लॉस वाज 20%. ओके, सो दिस वाज आवर आंसर. तो एक बार देख लेते हैं हमने कैसे किया है. अब देखिए हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड आउट की. तो टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सीड्स की कॉस्ट प्राइस के साथ लेबर चार्जेस और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के चार्जेस भी ऐड किए. तो हमको टोटल सीपी मिली 35,800. एसपी हमको दी हुई थी वो थी 28,640 रुपीज. एसपी ये सीपी से कम थी, दैट मीन्स सीपी वॉज ग्रेटर देन एसपी. देयरफॉर क्या हुआ है, लॉस हुआ है. तो लॉस का फॉर्मूला हमने लिखा, लॉस आया 7,160 रुपीज. उसके बाद लॉस का परसेंट हमने फाइंड आउट किया जो कि 20% लॉस आता है. ओके, तो इस एग्जाम्पल में 20% लॉस हुआ है. इसी एग्जाम्पल के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 34 यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.